अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खों से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत ही शानदार वाला मरहम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये ऐसा मरहम है, अगर आप इसकी मालिश कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद अपने पार्टनर से मिलते हैं दोस्तों, तनाव ख़त्म नहीं होगा। टाइमिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी लेकिन तनाव ख़त्म नहीं होगा। बहुत शिकायत करते हो ना कि जी जब मिलते हैं तो ढीला पड़ जाता है, या अपने पार्टनर के पास जाते हैं मुकम्मल तनाव नहीं आता, इरेक्शन नहीं आता, पावर स्टेमिना की कमी आ गई है और हम बहुत ऑयल लगा चुके हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। ये शिकायत आपकी बहुत ज़्यादा है। आज इनका सबका समाधान एक ऐसा मरहम जिसके इस्तेमाल से दोस्तों टाइमिंग आपकी ख़त्म हो सकती है लेकिन तनाव नहीं। वकील साहब डाउन नहीं होंगे, तने के तने सीधे के सीधे रहेंगे बिल्कुल। तो दोस्तों, आज का बहुत ही ख़ास वाला नुस्खा है ये मरहम कैसे लगाना है। केवल तीन चीज़ें आपको लेनी है, आसानी से मिल जाएंगी, कोई भी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। कैसे इस्तेमाल करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए शुरू करते हैं। बिना देर करते हुए जान लेते हैं नुस्खे के बारे में। तो दोस्तों, ये बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आई, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर लें दोस्तों, वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिन भाइयों को परेशानी तनाव की कमी है, पावर स्टेमिना की कमी है, मुकल ढीलापन रहता है, स्टैंडिंग नहीं आती है, शादीशुदा हजरात हैं या गैर शादीशुदा हैं, जिन्होंने हस्ते मैथुन किया है, जिनको ये दिक्कत है, वो इस ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है, ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है काला ज़ीरा। काला ज़ीरा जो घर में भी इस्तेमाल होता है, ये लेना है आपको 20 ग्राम। दूसरी चीज़ आपको लेनी है कोंच की जड़, ये पंसारी दुकान से आप लेकर आइए, कोंच की जड़ ये 20 ग्राम ले लीजिए। और तीसरी चीज़ आपको शहद लेना है। तो कोंच की जड़ और काला ज़ीरा 20-20 ग्राम दोनों को बारीक पीसिए, कूट पीस कर बिल्कुल बारीक पाउडर आटा जैसा बना लीजिए। तीसरी चीज़ आपको शहद, शहद इसके अंदर आपको इतना मिलाना है कि इसका मरहम बनाना है, लेप करना है तो मरहम बनाना है उसके, यानी ज़रूरत के अनुसार आपको उसके अंदर देसी ओरिजिनल शहद डालना है। अब ये मरहम बनकर तैयार हो चुका है, उसके बाद आपको अपने पेनिस पर जो है इस पर मालिश करनी है। एक पोर वैसे आप अपने वज़ू खास पर इस मरहम को लगाइए, नीचे का हिस्सा और सामने का छोड़कर इस पर सही तरीके से आप इसकी जो मालिश कीजिए अच्छी तरीके से। एक पोर वैसे किया आपने, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, आधा घंटे बाद आप सूती कपड़े से उसको साफ़ कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है और फिर उसके बाद अपने पार्टनर से मिलिए। दोस्तों, आपकी टाइमिंग ख़त्म हो सकती है और मनी जल्दी खारिज हो सकती है लेकिन तना का तना रहेगा, आपका वज़ू खास के अंदर सख्ती ख़त्म नहीं होगी। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ख़ास नुस्खा है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, फ़ायदा उठाइए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक और नए नुस्खे के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें।